Hello everyone, this is Krishna and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss DAV Class 8 Science Chapter 4 Force and Pressure Question Number D. So, चलिए देखते हैं. In the following situation, identify the agent exerting the force. Also state the effect of force in each case. तो नीचे दिए गए सिचुएशन में से हमको फोर्स एजेंट पता करना है और उस फोर्स के कारण क्या इफेक्ट हो रहा है वो बताना है. तो चलिए देखते हैं. Squeeze a piece of lemon between the finger to extract its juice. तो आंसर है एजेंट फोर्स इज फिंगर एंड एफेक्ट इज चेंज इन शेप. तो अगर हम किसी नींबू को निचोड़ते हैं तो उससे हमारा जो फोर्स एजेंट है वो कौन सा है, फिंगर, और इफेक्ट क्या आ रहा है उस नींबू पे, उसका शेप जो है बदल जा रहा है. दूसरा है ए पर्सन इज डाइविंग इन टू ए स्विमिंग पूल. आंसर है एजेंट ऑफ द फोर्स इज पर्सन मसल एंड एफेक्ट इज चेंज इन मोशन. जब कोई पर्सन जो है स्विमिंग पूल में तैरता है तो वहाँ कौन सा फोर्स लगाता है, वो मस्कुलर फोर्स लगाता है, और उस फोर्स के कारण क्या इफेक्ट आता है कि उसके मोशन में चेंजेस आ जाता है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए लेबरर मूविंग अ लोड कार्ट. एजेंट फोर्स इज लेबरर एंड इफेक्ट इज चेंज इन मोशन ऑफ कार्ट. अगर कोई लेबरर जो है ठेला को अगर धकेलता है तो उसमें क्या होता है, फोर्स कौन लगा रहा है, लेबरर लगा रहा है, और ठेले में क्या चेंजेज आ रहा है, उसका मोशन जो है बदल जा रहा है, चेंज इन मोशन. चौथा है कार मूविंग टू अ रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. एजेंट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम रोड एंड इफेक्ट इज चेंज इन मोशन. जब हम किसी कार का इंजन ऑफ करते हैं तो अपने आप रुक जाता है, तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है किसके बीच में, टायर और रोड के बीच में, और चेंज क्या हो रहा है, पहले मोशन में था बाद में रुक जाता है, तो चेंज इन मोशन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर ए बार केप्ट एट ए सर्टेन हाइट. आंसर है एजेंट ऑफ फोर्स इज मसल एंड इफेक्ट इज चेंज इन मोशन. अगर कोई एथलीट ऊपर रखे बार को कूदने की कोशिश करता है तो उसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है एथलीट का, और इफेक्ट उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके मोशन में चेंजेज आ रहा है. क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर टू. एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट नॉन जीरो फोर्स. इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. आंसर है नो, बिकॉज ए नेट नॉन जीरो फोर्स दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो स्पीड मस्ट बी चेंजिंग. अगर क्वेश्चन में बोल रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नॉन जीरो फोर्स लग रहा है तो क्या यह पॉसिबल है कि वो अपना स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड वो सीधे चले. तो आंसर, अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर नॉन बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वो कभी कॉन्स्टेंट स्पीड पर नहीं चलेगा, वो अपना स्पीड बदलते रहेगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच में अंतर बताना है, तो चलिए देखते हैं. तो बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का हम डेफिनेशन लिख देंगे. When the resultant of two or more force acting on a body is zero, then these forces are called balance force. तो ये balance force का definition है. दूसरा unbalanced force, when the resultant of two or more force acting on a body is not zero, then these forces are called unbalanced force. तो ये unbalanced force का definition है. और दूसरा point, बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंजेज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दे में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. बैलेंस फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो बदल नहीं सकता. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा. हाँ, और वो सिर्फ जो है शेप और साइज चेंज कर सकता है. दूसरा पॉइंट देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स में. अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एज वेल एज शेप एंड साइज. तो अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों चीज कर सकता है. किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, और ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी बदल सकता है. तो ये दोनों डिफरेंस है बैलेंस और अनबैलेंस का. और चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये भी डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं। द फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन है। दूसरा है द फोर्स विच एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन है। और एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है उससे कॉन्टैक्ट नहीं होता है फोर्स का। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो अर्थ से उस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे वो अपने आप नीचे आ जाएगा, लेकिन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन वी थ्रो ए बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हाट हैपेंड टू इट्स स्पीड व्हाइल इट इज गोइंग अप, गिव रीजन फॉर योर आंसर। When we throw a ball upward, its speed decreases because of gravitational force is acting on it in the downward direction. Also, air resistance opposes the motion. तो जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें दो फोर्स लगता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉल को नीचे की तरफ खींचता है, और दूसरा एयर रेसिस्टेंस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एयर के कारण जो बॉल पे फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये बॉल के स्पीड को कम कर देता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज ए मैन विथ पैराशूट, एक आदमी है पैराशूट से नीचे आ रहा है। नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन, इज इट ए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड मोशन, इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो पर्सन है नीचे की तरफ किस फोर्स के कारण आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी इसमें बी क्वेश्चन भी है। बी इसमें क्या बोल रहा है, विल द मैन कम डाउन विथ सेम स्पीड विदाउट पैराशूट, एक्सप्लेन। तो आंसर है नो, बिकॉज पैराशूट एक्सपीरियंसेस अ वेरी लार्ज एयर रेसिस्टेंस विच डिक्रीजेज द स्पीड, सो विदाउट पैराशूट मैन विल कम विथ ग्रेटर स्पीड। तो बोलता है अगर मैन आदमी के पास पैराशूट नहीं रहे तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, क्योंकि उसमें जो एयर रेसिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, और पैराशूट में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पैराशूट का एरिया बढ़ जाता है, इसी वजह से आदमी जो है नीचे धीरे धीरे आता है। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड द प्रेशर चेंजेस इफ द एरिया इज डबल्ड कीपिंग द थ्रस्ट कॉन्स्टेंट, इफ द एरिया इज डबल देन प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ। और हम जानते हैं प्रेशर का क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया को हम डबल करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दूसरा है द थ्रस्ट इज डबल कीपिंग द एरिया कॉन्स्टेंट, इफ द थ्रस्ट इज डबल देन द प्रेशर बिकम डबल। तो प्रेशर जो है थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे सॉरी थ्रस्ट बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसीलिए अगर हम थ्रस्ट को डबल करते हैं तो प्रेशर भी हमारा डबल हो जाएगा। तो चलिए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हेन विल डाइवर एक्सपीरियंसेस ए ग्रेटर प्रेशर 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो एट 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ए डाइवर विल एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर बिकॉज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ। तो जितनी हम सब पानी के अंदर जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको प्रेशर फील होगा, तो जब डाइवर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर नीचे होगा तो उसको ज़्यादा प्रेशर फील होगा अपेक्षा कि वो जब 10 सेंटीमीटर नीचे हो। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।